सुंदर लग रहा है। तो इसको इधर सजा क्यों रहे हो? Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. और राइस को भिगो के रखा था 4-5 घंटा, इसको ग्राइंड करना। I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars out. Good morning. खेला चल रहा है यहाँ पे भी, ट्रैफिक है। MITC का ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन भी, इसमें भीड़ थोड़ा कम है लग रहा है। बारिश के लिए लोग सब निकल गए, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे हमेशा ही लगा रहता है। और देखो क्या ब्रेकफास्ट मिलते, एक दिन मुझे उतर के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उतरना भी बहुत डिफिकल्ट है। पार्किंग कहाँ करोगे भाई साहब? आज सुबह में बारिश हुआ तो पूरा ये सारा गीला हो गया था, मैंने इसको दिया है। देखो मुझे लग रहा है ऐसे करके सूखेगा। हाँ थोड़ा सा धूप मिल रहा, नहीं जाएगा पीछे, नहीं कितना दूर तक ही जाएगा। सुबह में पूरा बारिश हुआ, हटली अच्छा है, मतलब बारिश मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हुआ है। ये क्या खिला है? अरे वाह, आप लोग गुलाब के फूल लो मेरे तरफ से आप सबको। लेकिन वो बारिश बारिश वेदर हुआ था ना, ये थोड़ा मॉइस्चर मॉइस्चर लग रहा है। दूध को क्यों खराज रहा? पहले निकालो, उसके बाद देखते निकल नहीं रहा है। ढक्कन डाल दिया, ढक्कन डाल दिया, मतलब ढक्कन छोटा, मुझे लगा नहीं तो हो जाएगा। देखा एकदम ढुप करके अंदर, एकदम सेम टू सेम। अभी इसको निकालूं कैसे, और दूध है कैसे पता चलेगा? नहीं निकल गया। अभी पता चल रहा है कौन ढक्कन है। हाँ ढक्कन है, तू ढक्कन है। नहीं नहीं, मुझे ढक्कन बोले, ढक्कन मुंबई का लैंग्वेज है। ढक्कन मीन्स अकल नहीं है जिनका ना। स्वीटी लंच कर रही है, बाहर देख रही है। बारिश हुआ ना, इस वजह से लड़के लोगों का ग्राउंड खराब हो गया क्रिकेट का, तो वही मरम्मत चल रहा है, तो वही स्वीटी देख रही है और मेरा लंच यहाँ पे। हाँ तो कहते सब वहाँ पे मिट्टी विट्टी ठीक कर रहे, पूरा ग्राउंड ही खराब हो गया। बेचारे बैट लेके आए, क्योंकि मिट्टी होने से पूरा किचड़ किचड़ अजीब हो जाता है ना। चलो चलो अपना मैदान ठीक करो। छोटे बच्चे लोग के लिए कि ईजी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि छोटे बच्चे सैटरडे संडे आते हैं मॉर्निंग। आहा क्या धूप आ रहा है, मैंने पोजीशन चेंज किया, इसको घुमा के यहाँ पे लेके आई और इसको यहाँ पे। स्वीटी बोल रही है अच्छा लग रहा है, संगीता भी बोल रही थी अच्छा लग रहा है। दीदी पोजीशन इधर का सामान इधर गया, इधर का सामान इधर गया। I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Santo no mas to so raha tha. Killa banaya. I could be someone else. No one's stopping me now. Back to our place. देख के पार्किंग करो, सब तो आजकल फोटो खींचने में उस्ताद है। फोटो खींचो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, वहाँ भी फोटो खींचो। Wonder if you found what you're looking for.
I hope it's not too late. I want you back here with me. We never. Hello, hey, jute na. Igla. Jute lo, jute lo, jute lo. लेना जूता जूता लो कैसा है ये देखो आम आम का डिपो कच्चा कच्चा लेके आया सब आम ये कच्चा आम है ये पक्का आम है कच्चा आम है क्या पूरा कच्चा आम है तो पूरा पूरा कच्चा ये कच्चे पक्के जो वो तो लंगड़ा होता ना वो हरा वाला ये अच्छा तो ले लीजिए 1100 का हरा वाला इसको जाएंगे यहाँ पे बिचाली बिचाली डाल के आप देखो आप अच्छा वाला दो अभी स्टार्टिंग में खा रहे हैं पूरा सीजन खाए आपके पास ऐसा वाला होना चाहिए बिल्कुल अच्छा मस्त बनाया भैया ने पेटी इधर पेटी बन रहा है इसमें कितना है 2 किलो 2 डजन ना छोटा वाला 1 डजन का उसके बाद चौसा दशहरी भी खाएंगे थैंक यू भैया सीजन का पहला आम ना हाँ भगवान को चढ़ाएंगे ये वाला पकेगा यही वाला बक्स में आएगा तो वो ये कार्बाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी गरम है वो गरम में पक जाता है और घास में रखेंगे वो गरम में पक जाएगा घास में होता है चावल का उसमें कार्बाइड में कोई नहीं रखता ना आजकल वो बहुत जल्दी सड़ जाता है सड़ जाता है सड़ जाएगा वो सुंदर लग रहा है घास में पका पूरा 8 दिन में रेडी हो जाएगा ना तो इसको इधर सजा क्यों रहे हो सही अलग अलग कर रहे क्या सही अलग अलग कर रहे हो ना छोटा बड़ा सब अलग अलग कर रहे हो अच्छा अच्छा उसके साथ फिर वो पक जाएगा पूरा ना एक साथ एक पकेगा नहीं हो पूरा माल खराब हो जाएगा अच्छा अगर वो चिपक जाएगा तो रत्नागिरी से सिर्फ इसमें आएगा उसके बाद वो जो ये वाला पेटी में डालेंगे ये पेटी में लकड़ी के तो खाली मुंबई में ये पूरा अभी ये हापुस है अल्फांसो का सीजन है पूरा रत्नागिरी रत्नागिरी देवगढ़ आता है बहुत कम आता है सब जगह में नहीं मिलते और ये सारे रत्नागिरी का स्वीटी हेलो स्वीटी तेरे लिए गिफ्ट हाँ गिफ्ट समवन यू लव ये भाई आम बोटे स्वीटी पिचका जावे पिचक जाएगा लाइट जला बाबा अंदर का स्वीटी सौंदर्य दी दे बाबू सौंदर्य दी दे हाँ हाँ खा ले आते ही इंजीनियर को काम पे लगा दिया इलेक्ट्रिशियन काम करो काम करो काम करो काम करो कोई चाय मिलेगा हाँ तो इसीलिए चाय बना रही हो ना तुम्हारे लिए तुम्हारे एनर्जी ड्रिंक बना रही हो इस ये खुल गया कैसे खुला लगा रहे उसको मैं देख रहा बोल रहे खुद ही बोल रहे जल क्यों नहीं रहा मैं बोला वो पूरा ये जो है ना ये ऊपर का हिस्सा खुल के निकल गया तो जलेगा कैसे एक था क्या इलेक्ट्रिशियन है इसको पता ही नहीं है कुछ चलो काम पे लग जाओ काम ही काम क्या करूँ नारियल तोड़ना मेरा काम नहीं है भाई देखो मैंने अच्छा चूज किया ना अरे मैंने हिला हिला के देखा बहुत पानी था मिसाल चूज किया अरे अच्छा कितना मोटा मोटा है ये बैटर देखो फूक के गया इस बार मैंने सॉल्ट नहीं डाला पहले से मस्त हुआ इडली मस्त बनेगा सॉल्ट दिया अभी अभी सारे मैं डाल के मैं छोटे छोटे बनाती बड़ा वाला में ना वो बड़ा प्रेशर कुकर निकालना पड़ेगा छोटा वाला स्वीटी को पसंद है इसीलिए ये छोटा वाला जो इडली मेकर है ना ये मैंने खरीदा था स्वीटी जब छोटी थी बड़ा वाला तो मैंने बाद में खरीदा और हमारे पीछे चल रहा है अन्ना का चटनी मेकिंग तो अन्ना का इधर अंधेरा हो गया पूरा हाँ बन जा सिम सिम अन्ना अपना काम कर रहा अन्ना चटनी बना रहे अन्ना अच्छा चटनी बनाते कपड़े से
कुछ पैसा बोला आप लोग ऐसे कहेंगे इससे ऐसा लगता है। अरे वो दुकान ऐसे बोल दिया बीच में गाजर अनियन कैप्सिकम टोमेटो सब एक साथ मिक्स करके रख रही हूँ। बहुत काम कर लाइट के लिए समा चाहती हूँ क्योंकि लाइट ऐसे ही जल रहा है, जो सफ़ेद चीज़ ज़्यादा दिख रहा है, नॉर्मल चीज़ थोड़ा कम दिख रहा है। थोड़ा सा बैटर उठा के रख लिया, उसमें ये सारे मिक्सचर मिक्स करूँगी और ये मिक्स वेज वाला इडली बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से मिक्स करके। अगर बड़ा जो वाला जो इडली मोल्ड है उसमें दे सकते हो, या तो छोटे छोटे स्वीटी को बहुत बचपन से पसंद था इसीलिए मैं छोटे छोटे में ही बनाती हूँ। ये है रोस्टेड चना, छिलका हटाया हुआ रोस्टेड वाला है, छोटा वाला प्याज, सांभर अनियन छाछी प्याज, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक, ग्रीन चिली आपके टेस्ट के हिसाब से, इमली थोड़ा सा, टैमरिंड, और ये सब यहाँ पे नारियल लिया है उसमें ये सारा देंगे। बिना मतलब आप इसका छोड़ के भी बना सकते हो, नॉर्मली ये नहीं देते अच्छा लगता है। शांतनु को चना छोड़ के अच्छा लगता है, हम और स्वीटी को चना के साथ अच्छा लगता है, मतलब ये ठेले वाले बनाते हैं तो हम जहाँ पे मेजोरिटी है उस हिसाब से, और नारियल फोड़ के जो पानी निकला था वही पानी दे देंगे। और इसको यहाँ पे पेस्ट बन चुका है। सनफ्लावर ऑयल में सरसों इसको भी फूटने देना है। अब इसमें दे देंगे सूखी मिर्च, उड़द दाल, करी पत्ता। इसकी क्या एक्चुअली खुशबू भाई, एक्चुअली करी पत्ता देख के ना ऐसा ढक देते हैं। और फिर फाइनली इसमें तड़का मारो। ए रुको, सब छान के लो जरा, असली चीज तो यही वाला है भाई। स्लाइडिंग मारो, बस इसको मिक्स करो भाई, मैं पूरा खा लूंगी। देखो कितना मन बनता है। ये है आज का शॉपिंग हॉल। अरे एक छोटा वाला है ना, दूसरा वाला सब झगड़ा लड़ाई होता है, वही वाला लेना है। एक और चाहिए, एक और चाहिए, नहीं मुझे वो बड़ा वाला दो, दो है नहीं वो राउंड वाला कोई नहीं लेने जाता है, वो बेकार है। ये वाला, ये एक है, ये वाला अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दे दो ना, नहीं चलेगा हम दोनों के लिए। ये वाला थाली है वो, ये कोई लेना नहीं चाहता, मैंने खरीदा था शॉप से। क्यों देखो कितना क्यूट सा है, देखो ये तुम्हारा चॉइस था, वो वाला मेरा चॉइस था, ये मेरा चॉइस था, लेकिन ये वो लगता ना इसका ये क्या बाघ का थम्बा, टाइगर का थम्बा, लेकिन ये दिखने में सुंदर है लेकिन यूजफुल उतना नहीं है। यूजलेस है वो, छोटा वाला में कोई काम का नहीं है, मतलब वो कोई पसंद नहीं करते इसको, तो इसीलिए ये वाला छोटा वाला और एक ले लिया, और साथ में तो ये बड़ा वाला खाएंगे। हम दोनों में लड़ाई होता है कौन इसमें खाएगा, आज देखो कौन लेता है। तेल में मस्टर्ड अच्छी तरह से फूटने देना है, थोड़ा सा उलट डाल इडली को, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, और यहाँ पे इस तरह से चार भाग करके, या तो दो भाग भी कर सकते हो, मैं छोटा है इसलिए दो भाग कर रही हूँ, बड़ा वाला में चार भाग करना है और इसको फ्राई करना है। फ्राई करते रहे इडली पोड़ी, ये है गन पाउडर, ये आपको ऑनलाइन पे मार्केट साउथ इंडियन दुकान पे, या तो ऑनलाइन पे अभी इजीली सब कुछ मिल जाता है। इडली पोड़ी ये स्पेशली टेस्टी होता है, एकदम फ्राई फ्राई करो मस्त, ये बच्चों के टिफिन के लिए मस्त है। और आज के साउथ इंडियन इडली स्पेशल, इडली डोसा स्पेशल में ये है फ्राइड इडली, सब वो इडली पोड़ी वगैरह डाल के, वेज इडली, सब्जी उब्जी डाल के, ये है उत्तपा, ये है डोसा, ये है चटनी, और अभी खाएगी स्वीटी। कैसे बना है अभी मैत्री, अभी गर्मा गर्म बना रही है, हो गया, चलो अभी खाते हैं, अभी चलो। शांतनु साउथ इंडियन प्लाटा सजा रहा है, ये वाला सब्जी वाला मतलब वेजिटेबल इडली, ये फ्राइड इडली, चटनी, डोसा, प्लेन डोसा, उत्तपा, पांच टाइप का चीज है एकदम एक प्लेट में, और सब अलग अलग फ्लेवर, ये अलग टेस्ट है, इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है, डोसा तो है ही, उत्तपा तो है ही, चटनी तो है ही, मस्त, जरूर ट्राई करना। अल्फोंसो मैंगो, तो
वो भी कहाँ का? बाप रे, 10-15 दिन पहले ना जो दिखाया ना, 15 दिन पहले गर्म हो गया देखो। 2000 या 2500 मैंने वो देख के कहा था ना, बोला था आम लेके आना, मैं बोले रहने दो, 2500 का आम खाना नहीं। 2000 एक आम नहीं, एक डजन का 2000 या 2500 के आसपास। 2000 का भी था, 2500 का भी था, 2500 वाला थोड़ा बड़ा वाला वाला था, थोड़ा बड़ा था। तुम्हारे बोले रहना तो छोड़ो भाई, अभी आम खाने की जरूरत नहीं है। ये तो 2000 में लगेगा कि आम का गुठली भी खा जाओ। अरे नहीं यार, अच्छे ये वाला छोटा वाला कितना अभी भी प्राइस में? ये वाला लिया तुम्हारा नहीं, छोटा वाला लिया 500 में, नहीं 400 लिया। ये वाला 1000 या 500, 800। बड़ा वाला लिया तुम्हारा 1100 रुपया डजन, पूरा मिला के डिस्काउंट किया, दोनों मिला के कुछ 1100 लिया। मैंने 6-6 करके लिया, और भी कम होगा। ओरिजिनली जहाँ पे रत्नागिरी में होता है वहाँ तो बहुत सस्ता मिलता है। पेटी पेटी सांतरों के दोस्त कभी कभी लगते हैं ना, तो आप लोग पहला आम खाओ, मतलब फर्स्ट आम, ये सीजन का पहला आम भाई, उसका महत्व कुछ अलग होता है। हाँ, इसका वैसा चूस चूस के खाने में मस्त मजा आएगा, लेकिन काट के खाते है पहले हम रात को खा रहे, लेकिन चलो भगवान का आके चढ़ाया पहले। चलो होता ना, पेटी देख के बहुत खुश होती है, पेटी में अच्छा लगता है। अच्छा, पेटी में देने में अच्छा लगता है। गिफ्ट बैग, गिफ्ट बॉक्स ऐसे सब लेके जाते, बड़ा बड़ा पेटी में। हाँ, ट्रेन पे, मैं ट्रेन पे देखती थी, सब लेके जाते थे। हाँ, मुंबई से सब लेके जाते हैं। तो लेकिन वही सीजन का पहला आम।